आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप यहाँ पर गूगल पे के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हिस्ट्री यहाँ पर देखते हैं तो आपकी जितने भी यहाँ पर हिस्ट्री होती है वो यहाँ पर से चली जाती है गाइज, डिलीट हो जाती है। तो उसे गाइज आपको कैसे लाना है बताऊंगा इस वीडियो में। आप हैरान हो जाते हैं कि हिस्ट्री कैसे डिलीट हो जाती है बोल के, तो इस वीडियो में बने रहिए गाइज लास्ट एंड तक, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिस्ट्री डिलीट होती है और इसे कैसे वापस लाना है। तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। मुझे भी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पर मुझे इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पर गाइस कि यहाँ पर मैं हैरान हो गया था कि मेरी हिस्ट्री कहाँ गई बोल के, लेकिन मैंने वापस ला लिया है गाइस। तो कैसा लाया अभी बताऊंगा आपको, यहाँ पर आपको क्या करना होगा। यहाँ पर गाइस कैसा होता है, यहाँ पर जब आप यहाँ पर शो हिस्ट्री करते हैं, यहाँ पर गाइस कैसा होता है गूगल पे के अंदर जब आप हिस्ट्री देखते हैं तो आपकी हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। क्यों होती है यहाँ पर अभी आपको बताऊँगा। जब आप यहाँ पर गूगल पे ऑन करते हैं तो यहाँ पर कैसा होता है गाइस, जो आपकी ईमेल आईडी होती है, अगर आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, ये यहाँ पर रहती है आपकी ईमेल आईडी। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री डिलीट होने की सबसे मेन रीज़न होती है वो होती है ईमेल आईडी चेंज हो जाना। अगर आपकी ईमेल आईडी चेंज हो गई है तो आपकी हिस्ट्री भी पूरी डिलीट हो जाएगी, आपको हिस्ट्री दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर गाइस आप यहाँ से जो जीमेल आईडी है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब हिस्ट्री जो होती है वो होती है जीमेल आईडी के अंदर। तो आपको जीमेल आईडी पहले शुरू देखना होगा, याद रखना होगा कौन सी जीमेल आईडी आपने यहाँ पर लॉगिन कर रखी है गूगल पे के अंदर। तो आपको बताऊंगा कि आपको जीमेल आईडी कैसे चेंज करना है अभी। तो यहाँ पर ये मेरी रियल आईडी है, मैंने अभी रियल आईडी पे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया है। जो पहली मेरी आईडी थी, पहले जो मेरी ईमेल आईडी थी गूगल पे के अंदर वो दूसरी थी गाइस। तो आपको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर गूगल पे के ऊपर होल्ड करना है, आई बटन के अंदर चल जाना है गाइस, या फिर आप फ़ोन की सेटिंग में जाइए, ऐप्स में जाइए और गूगल पे के अंदर आ जाइए गाइस, जीपे के अंदर। गूगल पे के अंदर आने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, स्टोरेज में चल जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद क्लियर कैच कर लेना है और यहाँ से क्लियर डेटा कर लेना है, ओके कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है गाइस, फिर यहाँ पर आपको गूगल पे ओपन कर लेना है। गूगल पे ओपन करने के बाद आपको नंबर पूछेगा, आपका फ़ोन नंबर वो आपको डाल देना होगा गाइस, आपको करेक्ट फ़ोन नंबर डालना होगा, आपको वही फ़ोन नंबर डालना होगा। तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर लेना है, फ़ोन नंबर डाल के कंटिन्यू जैसे करेंगे आप तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर आपको पूछेगा ईमेल आईडी। तो यहीं पर आपकी हिस्ट्री रहती है, यही ईमेल आईडी पे हिस्ट्री होती है। पहले ये सिलेक्ट थी मेरे पास जिससे यहाँ पर हिस्ट्री नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर आपको नीचे एरो के ऊपर क्लिक कर लेना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ईमेल आईडीज खुल जाएंगे जितने भी हैं। तो आपको आपकी जो ईमेल आईडी है वो सिलेक्ट कर लेना होगा याद से, आप हर बार ही ऐसे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हर ईमेल आईडी पर, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पर ये ईमेल आईडी रखता हूँ, मेरी ये पहले की ईमेल आईडी थी बीच वाली, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ मैं। जैसे इस क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देगा गाइस, आपका यहाँ पर लोगो आ जाएगा, याद रखना होगा वो। फिर इसके बाद आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वेरीफाइंग होगा, आपका फ़ोन नंबर दिखाई देगा यहाँ पर और आपको वेट करना होगा कुछ देर, जिसके बाद यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट आ जाएंगे गाइस, जिससे यहाँ पर आप इजीली एक्टिवेट माय अकाउंट इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिम पूछेगा, तो आपको सिम वन सिम टू यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी सिम आपका लिंक है बैंक से उसके ऊपर क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो बैंक को SMS चला जाएगा, यहाँ पर सेंडिंग SMS बताएगा। इसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आप पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको नॉट नाउ कर लेना है, अगर आपका नया है सेट यू पे पेन यहाँ पर तभी करना होगा, नया होगा तो, अगर आपका ऑलरेडी है तो नॉट नाउ कर लेना है। इससे गाइस आपका जो गूगल अकाउंट है वो खुल जाएगा और आपकी जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ पर दिख जाएगी, अगर आप नीचे जाकर देख लेंगे तो। यहाँ पर आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी पूरी पुरानी हिस्ट्री यहाँ पर आपको आपकी दिखाई देगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो लिए थैंक यू वेरी मच।